हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैरिड इन ओवरसीज गेटिंग ऑफर लेटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी विदाउट आयल्स हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है अगर आपके पास आयल्स स्कोर नहीं है या इंग्लिश रिक्वायरमेंट स्कोर्स नहीं है तब भी आप ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना कंडीशनल ऑफर लेटर ले सकते हैं किसी भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है चाहे बैचलर्स प्रोग्राम के लिए हो या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आयल्स इज़ नॉट मैंडेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसेस लाइक जैसे कि स्टूडेंट अपने एकेडमिक्स और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकता है और यूनिवर्सिटी से कंडीशनल ऑफ़र लेटर ले सकता है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन असेस करती है एप्लीकेशन असेस करने में कम से कम तीन से चार सप्ताह लगते हैं और अगर स्टूडेंट के पास आए स्कोर नहीं है और वो वेट कर रहा है तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है जिस समय आपकी एप्लीकेशन असेस होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट उसी तीन से चार सप्ताह के बीच में आप अपनी आयल्स की प्रपरेशन कर सकते हैं और जब तक आप आपके पास कंडीशनल ऑफर लेटर आता है उस समय तक आप अपना आयल्स का एग्जाम दे स्कोर्स ले सकते हैं जैसे ही आपके पास आयल्स का स्कोर आ जाता है उसी दौरान में आपका कंडीशनल ऑफर लेटर भी आ जाएगा और आपका जो कंडीशनल ऑफर लेटर होगा उसमें काफ़ी सारी कंडीशंस मेंशन होती है जैसे कि जैसे आपने अब सबसे पहले जब हम आई नहीं दिया है हमने सो so, आई की कंडीशन मैंशन होगी उसके बाद कंडीशन आती है जी टी ई जो मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है कि हमें एक साल का ट्यूशन फीस लिविंग एक्सपेंसेस सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं टू सॉर्ट दी जी टी कंडीशन उसके अलावा काफ़ी और भी कुछ कंडीशंस आ सकती है सपोज़ अगर आपने अपनी फाइनल मार्कशीट नहीं दी है या डिग्री नहीं दी है या ट्रांसक्रिप्ट आपकी मिसिंग है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में से सो so, वो सब भी आपके कंडीशनल ऑफ़र लेटर में लिखी होती है सो so, आपके पास थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है CSR ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए अपना आयल्स की प्रिपरेशन करके आयल्स का एग्जाम देने के लिए जब तक कि आपकी यूनिवर्सिटी आपकी फ़ाइल असेस करती है एडमिशन्स के लिए जैसे ही आपके पास कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है जो भी उसमें कंडीशन मेंशन है आप उस कंडीशन को फुलफ़िल कीजिए डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को दीजिए उसमें क्या होगा कि एक तो सबसे पहली बात यह कि आपका प्रोफाइल ऑलरेडी एक्सेस हो चुका है सो so हार्डली जो एक दो डॉक्यूमेंट्स की पेंडेंसी वो आप यूनिवर्सिटी को देंगे और यूनिवर्सिटी आपको विद इन टू थ्री डेज ही आपको रिवर्ट कर देगी सो so उससे आपका एडमिशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और कंडीशन कंप्लीट करते ही जैसे ही आपका for, आपका ऑफर लेटर कंडीशनल से अनकंडीशनल होता है यू जस्ट पे द फीस log your visa file and fly to australia thank you to getting more updates on the same like the video subscribe the channel and don't forget to press bell icon